अजमेर जिले में अवैध शराब के तहत चलाए जा रहे अभियान को लेकर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 55 पबों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि एसपी के निर्देशों पर अवैध शराब की बिक्री को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत टीम ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश माली को अवैध शराब के 55 पबों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत एसपी साहब श्रीमान जगदीश चंद्र शर्मा साहब के निर्देशानुसार थाना आजाद एक टीम गठित की गई थी। अवैध शराब की जो बिक्री करते हैं पीड़ित, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी के दौरान हमारे हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह जी, सुवाला जी हेड कांस्टेबल, राकेश कांस्टेबल द्वारा आज सुबह मुकेश पुत्र तेजकरण माली, जो कि आसुदिया स्कूल के पीछे का निवासी है, उसे अवैध शराब के 55 पबों के साथ आज गिरफ्तार किया गया है। अभी से न्यायालय में पेश किया जाएगा।